योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म में उत्कृष्टता ही योग है। दैट मीन्स योगा इज एक्सीलेंस इन एक्शन। ये सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विस्तार परिवार की तरफ से आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, सुबह के 6 बज गए हैं इसलिए मैं हाजिर हूँ। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी तस्वीरों के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पीएम मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं और इस प्रोग्राम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं भोपाल में योग दिवस पर बारिश का असर पड़ा है और अब लाल परेड ग्राउंड की जगह सीएम हाउस में कार्यक्रम होगा। उधर रायपुर में साइंस कॉलेज में हो रहे कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने नड्डा को केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई भी दी है। एमपी के विकास कामों समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। ये है आज सुबह की 4 बड़ी तस्वीर। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसी को देखते हुए हम शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। देखिए, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और श्रीनगर में योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीनगर के SKICC में आयोजन किया गया है योग कार्यक्रम का, जहां पर शिरकत करेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर को 3300 करोड़ की सौगात भी देंगे। मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उसमें बड़ी जिम्मेदारी भी वो देंगे। और देखिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और उसी उपलक्ष में श्रीनगर में योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीनगर के SKICC में आयोजन किया गया है और जम्मू कश्मीर को इसी के साथ साथ 3300 करोड़ की सौगात भी देंगे। कल युवा सम्मेलन में शिरकत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है और वहीं पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। श्रीनगर में आज योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया गया है विशेष कार्यक्रम का, जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को 3300 करोड़ की सौगात भी देंगे। 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेहद उत्साहित रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जहां आज है, वहां श्रीनगर में योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए, तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें हैं कश्मीर से जहां पर सज धज कर तैयारी कर ली गई है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे हम, ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसके आयोजन की विशेष तैयारी देश भर में की गई है। देश पूरा भारत देश जो है विशेष उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और सुबह से ही लोग जो हैं वो योग करने पहुंच गए हैं। यही उत्साह है क्योंकि योग भारतीय प्राचीनता में है, भारतीय संस्कृति में है और योग जहां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है तो ऐसे में देश में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। 21 जून की ये तारीख जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसी सिलसिले में लगातार जो है अब तस्वीरें आ रही है। ये तरह तरह की तस्वीरें देखिए आप, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो देखिए, तस्वीरें दिखाई हमने आपको, लेकिन बड़ी खबर यही है कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और श्रीनगर में योग करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा था और उसके बाद सबको मंजूरी मिल गई और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। श्रीनगर में योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीनगर के SKICC में आयोजन किया गया है कार्यक्रम का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश एडिशन की भी बात कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है कि भोपाल में योग दिवस कार्यक्रम पर बारिश का साया है, बारिश की वजह से जगह में किया गया है बदलाव और अब सीएम हाउस में होगा कार्यक्रम। मैं आपको बता दूं कि पहले लाल परेड ग्राउंड में होना था योग दिवस का कार्यक्रम, जहां पर खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले थे और लेकिन भोपाल में आज बारिश हो रही है तो बारिश का साया दिख रहा है पूरे कार्यक्रम में, इसकी वजह से बदलाव कर दिया गया है जगह में। बारिश की वजह से जगह में किया गया है बदलाव और पहले जहां लाल परेड ग्राउंड में होना था, अब सीएम हाउस में ये कार्यक्रम होगा।
और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करने पहुंच गए हैं, सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उनके साथ है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी। और देखिए ये तस्वीरें दिखा रही हूं मैं आपको, बता रही थी कि अब देश भर से सुबह सुबह का वक्त है, देश भर से तस्वीरें आएंगी और ये पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ पहुंचे हैं। योग दिवस का विशेष कार्यक्रम है, देखिए तमाम राज्य भी अपने अपनी तरीके से विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर चुके हैं और उस विशेष कार्यक्रम में मुखिया भी पहुंचने वाले हैं राज्यों के। अभी अभी मैं जानकारी दे रही थी कि मध्य प्रदेश में भी बड़ा आयोजन रखा गया था लाल परेड ग्राउंड में, लेकिन भोपाल में बारिश होने की वजह से वो कार्यक्रम सीएम हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई मौसम की मार ऐसी नहीं देखने को मिल रही है, तो तय कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है। ये दोनों तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, दोनों वहां पर खड़े हैं और योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं। तो देखिए इससे पहले हमने दिखाई थी कि देश भर से तस्वीरें आ रही हैं जहां सजाया धजाया जा रहा है, लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं और उसी बीच ये खास तस्वीरें भी आ रही है, ये खास तस्वीरें लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में भी आयोजन किया गया है 10वें योग दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है, राज्य अपने अपने स्तर पर आयोजन कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस 10वें योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। और देखिए आपको सीधा अब लिए चलती हूं जबलपुर, जहां मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू मौजूद है। दुर्गेश, जबलपुर का क्या हालत सूरत है, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संस्कारधानी जबलपुर में भी योग मुद्राएं हमको देखने को मिलेंगी और इस समय मैं मौजूद हूँ रानीताल स्टेडियम में। लेकिन जो बारिश की बात हो रही है अंजलि, निश्चित तौर पर जबलपुर में भी बारिश ने इस कार्यक्रम में खलल डालने का काम किया है, लेकिन आनंद फानंद में प्रशासन ने एक नई व्यवस्था कर ली है। इस वक्त मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये रानीताल स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहाँ एक बड़े हॉल के अंदर जो ये टेनिस का हॉल है यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है और तमाम जो अधिकारी हैं आप इस समय देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह इस कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं, कुछ ही मिनट बाद जो है यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं, कलेक्टर दीपक सक्सेना यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम वो स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज सुबह से आए थे। निश्चित तौर पर अंजलि, आज चूंकि बारिश जबलपुर में भी सुबह सुबह शुरू हो गई थी, हल्की बूंदाबांदी के साथ फिर तेज बारिश होने लगी, तो खुले मैदान में जब कार्यक्रम होने की जो तैयारियां की गई थी वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हुई है। और तुरंत मानसून का इंतजार पूरा मध्य प्रदेश कर रहा था और अब जब मानसून आया तो भी आज के दिन आया जब खुली हवा में खुले आसमान के नीचे सब योग करना चाहते थे। खैर फिर भी तैयारियों में ऐसा कुछ खास बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है, लोगों में अभी भी उत्साह नजर आ रहा है। दुर्गेश, वहां पर क्या कोई खास योग गुरु को बुलाया गया है, क्या किसी योगा एक्सपर्ट के नेतृत्व में योग करवाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए खास योग गुरु तो नहीं है लेकिन जो योगा एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं और यहाँ पर उनके दिशा निर्देश पर है। और जैसा कि तय कार्यक्रम होता है कि दिल्ली से जो संचालित होता है वो यहाँ पर हमें देखने को ज़रूर मिलता है। मैं तस्वीरें के साथ साथ यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। देखिए तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे खास बात है कि कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह यहाँ पर मौजूद है। मैं सीधे एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर आपसे ले लेता हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सभी को शुभकामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, संपूर्ण विश्व को भारतीय सभ्यता की देन है योग और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों का एक साथ योग को अपनाना ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। ये साबित करता है कि योग का महत्व क्या है और आज के समय पर जब हमारे पास विज्ञान की दृष्टि से अनेकों उपकरण और ताकतें मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में हमें आवश्यक है कि हमारी आंतरिक शक्ति कहीं अधिक जागृत हो और वो हो सकती है केवल और केवल योग के कारण, और इसीलिए इस कार्यक्रम का अपना एक महत्व है। बिल्कुल, देखिए
ये कहा भी जाता है कि योग करें तो निरोग रह सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वागत हुआ है सबसे पहले कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी का, कलेक्टर दीपक सक्सेना जी ने यहाँ पर किया है। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो स्वागत की ओर इशारा कर रही हैं कि लोग अब योग के प्रति कितने जागरूक हो गए हैं। मैं अंजलि यहाँ पर बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा आपसे, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा उत्साह होता है, वो ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड होती हैं। आप यहाँ पर बच्चों को लेकर आई हैं, कितनी तैयारी है योग दिवस की? बहुत तैयारी है सर, हम लोग लगातार योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार ही सारे योग बच्चों को करा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट है, जो गर्ल्स हैं वो भी यहाँ पर आई हैं। आप भी योग कर लेती हैं या पहली बार करने आई हैं? पहले भी किया है, एक्सपर्ट नहीं है बस, ठीक है, कर लेते हैं। रोज करती हैं? नहीं, जिम। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कार्यक्रम चूँकि शुरू हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहनसे प्रिय, आप योग रोज करते हैं? हाँ, रोज करते हैं। क्या क्या कर लेते हैं योग में? बहुत कुछ कर लेते हैं। चलिए अभी शुरू होगा तो सारी मुद्राएं करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सभी यहाँ पर हैं। और देखिए जगह की जिस तरीके से कमी यहाँ पर देखी कि, तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि जो दर्शकों के बैठने की जगह होती है, सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी। चलिए एक छोटी सी बच्ची मुझे यहाँ पर मिली है, क्या नाम है बेटा आपका? प्रीशा। क्या नाम है? प्रीशा। बिल्कुल, योग कर लेते हैं आप? कितनी उम्र है? 8 साल। 8 साल है, सारे योग कर लेते हैं? कौन कौन से योग करते हैं, कुछ आसन के नाम याद है बताओ जरा? चक्रासन और शलभासन। बिल्कुल, देखिए तो 8 साल की बच्ची है, लेकिन इससे छोटी भी बच्ची मुझे यहाँ पर नजर आई अंजलि, उसके पास भी चलता हूँ मैं, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अमोली। कितनी उम्र है? 5 साल। 5 साल के हो, योग कर लेते हो? क्या क्या कर लेते हो? नमस्कार, देखिए ये 8 साल, 5 साल की बच्ची, मैंने इसके पहले 8 साल की दिखाई है, 5 साल की बच्ची है, लेकिन इसमें भी उतना ही उत्साह है हमको यहाँ पर नजर आया। निश्चित तौर पर यही वो बच्चे हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप भी योग करें, क्योंकि इस आधुनिकता की दौड़ में जिस तरीके से हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं, सुबह से शाम तक हम काम करते रहते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, तो ऐसे में यही एक योग की खूबसूरती ही यही है कि इसको हर वर्ग के, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। और वहां पर भी लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे भी योग कर रहे हैं, तो उनको देखकर मेरा भी मन कर रहा है अब योग करने का, तो मैं भी अब अपने योगासन में बैठ जाती हूँ और आपसे लेकिन बात करती रहूंगी, आपसे बात होती रहेगी, क्योंकि आप लोगों से, वहां पहुंचे लोगों से बात कर रहे हैं। तो देखिए वहां पर जो लोग पहुंचे उनसे जानिए जरा, पूछिए जरा कि आखिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है, क्योंकि भारत ही इसका नेतृत्व करता आया है, तो उसको लेकर क्या उत्साह है लोगों में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि यहाँ पर बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप, क्या नाम है बेटा आपका? काव्य मिश्रा। आज क्या है? आज योग दिवस है। योग दिवस है। आप हर साल योग करते हो? नो नहीं करते। अच्छा, रोज योग करते हो? नहीं करते। नो नहीं करते। वैसे भी आप बहुत फिट हो, क्या कहेंगे लोगों के, योग करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर तमाम वो लोग हैं। मैं यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वही यहाँ पे। आप रोज योग करते हो बेटा? हाँ। क्या क्या कर लेते हो? सूर्य नमस्कार और काफी सारे कर लेते हैं, ताड़ासन, बाकी सब भी कर लेते हैं। रोज करते हो? हाँ। क्या कहोगे लोगों के लिए, रोज करना चाहिए? हाँ, इससे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी काफी अच्छी हो जाती है। निश्चित तौर पर देखिए योग के जो जो फायदे हैं वो भी यहाँ पर लोग गिनाते हैं, बच्चे गिनाते हैं, और यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो भी यहाँ पर बैठे, चूंकि छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह लेकर आए हैं, हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि वो माए हैं और निश्चित तौर पर मुझे देख रही है, यानी कि वो कोशिश करे। आप बच्चों को लेकर आई हैं? यस। आप क्यों नहीं कर रही है? जी सर, मैं एक्सरसाइज तो सिर्फ सूर्य नमस्कार करती हूँ, योगा करते हैं। क्योंकि वो सेहत के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। आज कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, प्रयास रहेगा, बिल्कुल प्रयास। चलिए देखो ये तमाम वो मम्मी हैं जो अपने अपने बच्चों को सुबह सुबह लेकर आई। बिल्कुल दुर्गेश, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे योग करने और वो कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवा देते हैं। राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति,
सर्धावनत होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 125 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल, परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग का मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है, उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। आज तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि योग विरासत है भारत की। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया है। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला, सीधा सीएम हाउस भोपाल से वो जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यहाँ पर अंजलि तैयारियां की गई हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर योग की शुरुआत की जाएगी। मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र तस्वीर दिखाइए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कार्यक्रम स्थल में थोड़ा बदलाव किया गया, भोपाल में लगातार बारिश भी हो रही है तो सीएम हाउस में कार्यक्रम किया जा रहा है और अब योग दिवस की शुरुआत होने जा रही है। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। मोहन यादव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोहन यादव अब इन्हीं लोगों के साथ मिलकर योग भी करेंगे, साथ में भोपाल के सांसद भी मौजूद हैं, आलोक शर्मा और विधायक सबनानी भी मौजूद हैं और दूसरे अन्य लोगों के साथ यहाँ पर कुछ देर के बाद योग की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम है 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर और स्वागत किया जा रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। खास बात यह है आज के इस योग दिवस को लेकर कि आज मध्य प्रदेश में श्री अन्न संवर्धन अभियान का भी शुभारंभ यहीं से होने जा रहा है। 21 जून का दिन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और आज के इस खास मौके पर मध्य प्रदेश में एक और नए अभियान की शुरुआत होने जा रही है, वो है श्री अन्न संवर्धन अभियान योजना। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरी दुनिया में जो तस्वीरें हमने देखी हैं तैयारियों को लेकर, और आज तो खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी में योग दिवस के मौके पर योग करते हुए नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं जहां पर सीएम हाउस में ये कार्यक्रम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योग करते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। हमारे साथ विधायक रामेश्वर शर्मा जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, एक आखिरी बात करते हैं। मोदी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को योग के साथ स्वस्थ रहने की कामना कर, तो स्वस्थ रहने की कामना करने होते यहाँ पर रामेश्वर शर्मा बात करते हुए गए हैं और हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। योग दिवस पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में मनाया जाना लगा 2015 से, 2014 में प्रस्ताव पास हुआ, बहुत बड़ी ये विरासत के तौर पर पूरी दुनिया को भारत ने बताया, क्या कहेंगे आप इस पर? भारत की और भी कई विरासतें हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक काल से ही बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया था जो कि अभी बहुत कुछ उसमें से अनएक्सप्लोर्ड है, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, चाहे धातुक शास्त्र हो, चाहे टेक एनी फील्ड ऑफ साइंस। आपको योगासन कौन सा ज़्यादा पसंद है? योगासन कौन सा सबसे ज़्यादा आप करते हैं? योग के फायदे बताइए। देखिए, योग से आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। ये पूर्ण आसन होता है, जो सूर्य नमस्कार है वो 12 योगासनों का जोड़ है और अगर वो आप करते हैं तो वो आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज देता है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे जो योग करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
योग दिवस को लेकर आप क्या कहेंगे? आज योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, आप भी योग करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितना खास महत्व? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत ने विश्व को दी है और हम लोग इसके 10 साल पूरे कर चुके हैं और ये भारत के लिए गौरव की बात भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, तो मैं सभी को आग्रह करूँगा कि ये एक मेक इन इंडिया, ब्रांड इंडिया का पार्ट है, सो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी की सहभागिता के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, आप क्या स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं? सर स्कूल में। सर स्कूल में पढ़ते हैं और योग करते हुए आ रहे हैं, छोटी सी उम्र से योग की एक आदत भी लगनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, कब से करते आ रहे हैं? ये सर लगभग 5 साल से। 5 साल से योग कर रहे हैं। योग के फायदे बताइए, कौन सी क्लास में हैं आप? 12th। 12th में, योग से कितना फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। हाँ, कौन सा आसन करते हैं? सर्वांगासन। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये भोपाल में सीएम हाउस है जहां पर योग दिवस को लेकर तैयारी की गई है और योग दिवस कुछ देर बाद यहां पर मनाया जाएगा। हम लोगों से बात करने की और कोशिश करते हैं ताकि योग दिवस की खास महत्ता आपको बता सकें। योग दिवस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल विवेक, भोपाल की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लेकिन और भी कई शहर हैं जहां से हमारे सहयोगी हम तक तस्वीर पहुंचाएंगे। बिलासपुर से मेरे सहयोगी आशीष दुबे जुड़ गए हैं, पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से जुड़ गए हैं, जबलपुर से दुर्गेश साहू बने हुए हैं और आप तो हैं ही भोपाल से। तो मैं सबसे पहले बिलासपुर जाना चाहूंगी। आशीष, क्या कुछ माहौल है वहां का? रितु, ये देखिए मैं खड़ा हूँ जो है बीआर स्टेडियम है बिलासपुर का, जहाँ 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं। आज यहाँ जो है केंद्रीय मंत्री तोखन साहू आने वाले हैं सुबह 7 बजे और उनके साथ जिला प्रशासन की पूरी टीम रहेगी, समाज कल्याण विभाग और तमाम विभागों ने, ये मेरे पीछे ये नज़ारा आप देख सकते हैं रितु, कि उन लोगों ने जो एक ये व्यवस्था की है, एक इंडोर स्टेडियम में जो बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये जी भीड़ है ये सब योग दिवस को लेकर ही है। और आज सुबह अनुलोम विलोम से लेकर जो है कपाल भाती और तमाम जो योग के शिविर में जो आयोजन होते हैं वो होते हैं। हमारे साथ में एक ऐसी मैम मौजूद हैं जो बिलासपुर को पिछले कई सालों से योग सिखा रही हैं और अलग अलग तरह से चीज़ें। तो मंजू मैडम, पहले तो स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में, थोड़ा विस्तार न्यूज़ को दर्शकों को ब्रीफ से बताइए कि क्या आज कार्यक्रम यहाँ होने वाला है और क्या आप लोग करने वाले हैं? ओम शांति, मैं ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी आप सभी का दिल की गहराइयों से 21 जून 2024 हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जब से हमारे प्रधानमंत्री जी भ्राता नरेंद्र मोदी जी ने ये योग का अभियान शुरू किया 21 जून को, तो हम इसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यहाँ जो टिप्स देंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। बिल्कुल, विशेष यहाँ पर जो भी अभ्यासक्रम यानी प्रोटोकॉल के हिसाब से शुरुआत से जो ध्यान के माध्यम से और उसके बाद कटी चालन और आसन प्राणायाम ध्यान तीनों ही प्रक्रियाएं चलेगी और एक संकल्प लेंगे कि केवल 21 जून को ही। बिल्कुल, योग की अहमियत बता रही हैं योगा इंस्पेक्टर मंजू दीदी। मैं सीधा पहुंचना चाहूंगी अब इंदौर, इंदौर की क्या तस्वीरें हैं पुनीत? जी देखिए, इंदौर में हम शारदा कन्या विद्यालय में मौजूद हैं, यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम हो रहा है और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आ चुके हैं, मंच पर हमें नज़र भी आ रहे हैं। उनके अलावा मंच पर मौजूद हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, इंदौर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा, इंदौर DIG अमित सिंह और तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अब थोड़ी देर में योग शुरू होने वाला है, भोपाल से भी कनेक्ट होने वाले हैं। फिलहाल यदि बात करें तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संबोधित कर रहे हैं, लोगों को योगा का फायदा बता रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूल की बच्चियां हैं जो यहाँ पर योगा में शामिल हुई है, आप देख सकते हैं तमाम बच्चियां बैठी हुई है लाइन से और थोड़ी ही देर में यहाँ पर योगा शुरू होने वाला है। इंदौर कलेक्टर आशीष ये भी यहीं पर मौजूद है, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा शहर में 400 स्थानों पर योगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शहर के 40 बड़े पार्क में गार्डन्स में भी योगा का कार्यक्रम किया जा रहा है और 16 स्थानों पर बड़ा योगा का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, जबलपुर जाना चाहूंगी। देखिए, इंदौर में तो बारिश की मार नहीं पड़ी है, इंदौर में तो खुली हवा में खुली सांस आ रही है, योग किया जा रहा है, लेकिन जबलपुर और भोपाल में अब तस्वीरें इंडोर खिसक गई है। जबलपुर की क्या अब तस्वीरें हैं दुर्गेश?
बिल्कुल अंजलि, देखिए अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और एक जगह से ही पूरा संचालित होता है, तो जबलपुर में भी यहाँ पर जो है अब योग की बहुत बिल्कुल तैयारियाँ शुरू हो गई और कुछ ही पलों बाद यहाँ पर जो योग की मुद्राएं हैं उपयोग करते हुए हमें लोग नजर आएंगे, क्योंकि बहुत एक बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होता है, जिले स्तर पर कार्यक्रम होता है, तो हर एक स्थल की अपनी अपनी गर्मियाँ होती है। जैसे यहाँ पर जबलपुर में मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और यह तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि सभी लोग बस अब बैठ चुके हैं यहाँ पर अपनी अपनी जगहों पर और कुछ ही पलों में जैसा कि यहाँ पर एक बड़ी LED स्क्रीन लगाकर यहाँ पर सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ देर पहले ही योगी जी को यहाँ पर देखा लोगों ने और फिर ये तस्वीरें देखिए, पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं कि विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जो नवनिर्वाचित सांसद हैं आशीष दुबे वो यहाँ पर आ चुके हैं, विधायक अजय विश्नोई जी, अभिलाष पांडे, कलेक्टर दीपक सक्सेना, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल के छात्र काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि ये कार्यक्रम अगर मैदान में होता तो शायद और भव्य तस्वीरें हम दिखा पाते, लेकिन चूंकि इंडोर हो रहा है, एक बड़े हॉल के अंदर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ न कुछ आपको कमी जरूर दिखेगी, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है, लोगों में चरम उत्साह। लास्ट मोमेंट इंडोर शिफ्ट कर दिया गया, मौसम की तो फितरत सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उत्साह दिख रहा है, अभी भी अच्छी खासी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। भोपाल में भी कुछ ऐसा ही आलम है, भोपाल में भी लास्ट मोमेंट शिफ्ट किया गया है। विवेक मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, विवेक उत्साह में लेकिन कमी नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल अंजलि, उत्साह में कमी नहीं है और उत्साह इसलिए भी खास है क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत की वजह से योग कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मैं इस वक्त CM हाउस में मौजूद हूं और यहां पर अभी अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अन्न संवर्धन योजना की अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान की शुरुआत के साथ ही एक और नए अभियान से मध्य प्रदेश जुड़ेगा, मध्य प्रदेश के लोग जुड़ेंगे। लेकिन हम वापस अगर आते हैं योग दिवस को लेकर, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अब देखेंगे, मैं चाहूँगा कि तैयारियाँ एक बार वीरेन फिर से दिखाएं। इतने बड़ी संख्या में CM हाउस के अंदर लोगों को बुलाया गया है जो एक साथ योग करेंगे। अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, यहाँ पर आगे वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं, हर वर्ग के लोगों को बुलाया गया है, महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, हर वर्ग के लोग। हमने देखा जबलपुर में देख पा रहे थे कि सांसद भी पहुंचे हुए हैं, विधायक भी पहुंचे हुए हैं। भोपाल की क्या तस्वीर है, कौन से आला नेता वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल अंजलि, सांसद विधायक यहां पर भी पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जरा मंच की तस्वीर वीरेंद्र दिखाएं क्योंकि खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके बगल में आलोक शर्मा जो कि भोपाल के सांसद हैं वो मौजूद हैं, आलोक शर्मा के बगल में रामेश्वर शर्मा बैठे हुए हैं, भोपाल से विधायक हैं, और उनके बगल में विधायक सबनानी भी बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच से और बाकी और लोग दूसरे अधिकारी बैठे हुए हैं। खास बात यह है इस कार्यक्रम को लेकर अंजलि, गौर ये फरमाना चाहिए कि योग क्या है, स्वयं की प्राप्ति के लिए स्वयं के माध्यम से स्वयं की शक्ति लगा देना और एक निरंतर अभ्यास के साथ ही बिल्कुल विवेक, चेतना का बोध है, अपनी चेतना का, आत्म चेतना का बोध है योग। और ऐसे में आप लोगों से बात कीजिए, जरा जानिए कि आखिर उनके लिए योग का मतलब क्या है। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि वीरेंद्र जरा लोगों से बातचीत करते हैं, आइए, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि योग दिवस सिर्फ एक दिन मनाने के लिए नहीं है जी। योग हर दिन किया जाना चाहिए और हर दिन योग किस तरह से होता है जरा उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं हम। आप रोज योग करते हैं जी? जी, क्या खास है इस योग में? जी, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हाँ जी, योग से कितना फायदा होता है? योग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हेल्थ को, आपके लंग्स एंड आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है सब फिट रहते हैं एंड आपकी जो एज है वो भी बढ़ती है इससे। अच्छा, देखिए यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी आई हुई हैं, आप यहाँ पहुँची हुई हैं, योग करती हैं आप रोज? हाँ, कर लेते हैं कभी कभी। कभी कभी करते हैं? हाँ। रोज नहीं करते हैं? नहीं। लेकिन योग तो रोज करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए बट नहीं करते। कितना फायदा होता है इससे? बहुत फायदा होता है। जैसे मतलब करना चाहिए तो मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाती है। हाँ, तो ये खास बात है, हम कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं। आप रोज योग करती हैं? रोज ऑनलाइन। कितना फायदा होता है योग से? बहुत होता है, जिस दिन नहीं करते तो गैस बहुत बनती है, हाथ पैर जोड़ कड़े कड़े रहते हैं, फिर उसके बाद ठीक होने लगता है योग करने से। हाँ, अच्छा रहता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
सभी करना चाहिए, और खासकर 50 के ज़्यादा उम्र वालों को तो ज़रूरी है हमेशा करने की। 50 से उम्र वालों को हमेशा योग करना चाहिए ये कहना है, और लगातार योग को लेकर जो आप लोगों के बीच देख रहे हैं कि यो लोग जो है योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और ख़ास बात यह है कि चाहे वो महिलाएं हों या नए बच्चे हों, उम्र के लोग वहाँ पहुँचे, यही खूबसूरती है योग जैसी क्रिया की। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी राकेश चौधरी, सीधा कर्तव्य पथ दिल्ली से। वहाँ की तस्वीरें जान लेते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पर्व है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ऐसा पर्व है जिसे देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें वहाँ की? बिल्कुल अंजलि, साल 2014 के बाद से योग को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, और देश में भले ही हर जगह योग हो रहा हो, अब विदेश में भी योग देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर हूं, और यहां जो है योगा इंस्ट्रक्टर आपको दिख रहे होंगे, योग सिखा रहे हैं, और यहां के जो बच्चे हैं वो योग कर रहे हैं।